खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज और साफ। जिले के अति संवेदनशील बांध कटरिया चांदपुर तटबंध पर एक बार फिर घटते जलस्तर के कारण नदी तेजी से कटान करती हुई बंधे की तरफ अपना दायरा बढ़ा रही है। सुबह से ही खलवा, खजांचीपुर एवं विसुनदासपुर हरजन आबादी के पास तेजी से कटान हो रही है, जिससे तटबंध किनारे बसे गांव में दहशत फैल गई। वहीं बाढ़ खंड द्वारा कराए जा रहे मरम्मत कार्य से ना खुश सैकड़ों ग्रामीणों ने खलवा गांव के पास बने बाढ़ खंड की चौकी पर पहुंचकर बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार, सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार का घेराव किया। वहीं कुछ ग्रामीण उग्र होकर तटबंध पर हो रहे बाढ़ मरम्मत के कार्य को रुकवा दिए। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि बाढ़ खंड विभाग सिर्फ मिट्टी की बोरियों में भरकर कटान रोकने का असफल प्रयास कर रहा है। जहां पर बोल्डर की आवश्यकता है वहां मिट्टी का कैरेट बनाकर डलवा रहे हैं, जिससे कटान नहीं रुक रही है। नदी तटबंध से 10 से 20 मीटर की दूरी पर कटान कर रही है। ऐसे में हम लोग दहशत में हैं। हमारा गांव कट रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग इस समय कहां रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? बंधे के किनारे रह रहे हैं, जैसे सूखा रूखा खा के पूरा रात दिन कट रहा है। और कैसे बाढ़ खंड विभाग काम नहीं करवा रहा है? नहीं करवा रहा है। क्या नाम है आपका? रेनू यादव। क्या समस्याएं हैं? हमारा सबका घर कटा वाला बा, हमारा सबका सुनवाई नहीं बात है। हमारा सबका एकदम बंधा किनारा घर बा, बंधा कटे वाला बात है। अब कब कट जाए कहो नहीं बा, एमान कहो सुनवाई होत नहीं बात है हमारा सबका। कहाँ घर है आपका? खजंतीपुरवा। क्या नाम है? सीता। वहीं तटबंध पर ग्रामीण द्वारा मरम्मत कार्य को रोके जाने की सूचना पर तहसीलदार चंद्रभूषण प्रताप मौके पर समझा बुझाकर शांत कराए और कहा कि तटबंध कटने नहीं दिया जाएगा। तटबंध के किनारे कटर बनाकर नदी की धारा को तटबंध से दूर किया जा रहा है ताकि कटान को रोका जा सके। फिलहाल ग्रामीण काफी समझाने बुझाने पर मान गए। इसके बाद तटबंध पर मरम्मत कार्य फिर से चालू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।